तजाम अब्दुल करीम बिजार के वतन वापसी से गिरफ्तारी बाबत बयानवारो मामलो सिंध हाई कोर्ट में शेख रशीद इमरान खान इमरान इस्माइल खिलाफ दरख्वास्त दाखिल कई है। दरख्वास्त गुजार चवण है जवाबदार 25 मार्च तीन हिफाजती जमानत हासिल कई हुई कोर्ट में पेश थी सरेंडर कर चाहे तो। शेख रशीद जल्द गिरफ्तार करने ऐलान कर अदालत जो मजाक उड़ा सिंध के गवर्नर नालो ईसीएल में विझण लाय वफाक के खत लिखो। शेख रशीद गवर्नर खिलाफ तोहीन अदालत की दरख्वास्त दाखिल कई वे अहम खबर अवसर शेयर क्यों पाम। अब्दुल करीम बिजार की वतन वापसी से गिरफ्तारी बाबत बयानवारो मामलो सिंध हाई कोर्ट में शेख रशीद इमरान इस्माइल खिलाफ दरख्वास्त दाखिल कई वही। दरख्वास्त गुजार जो चवण है जवाबदार 25 मार्च तीन हिफाजती जमानत हासिल कई हुई कोर्ट में पेश थी सरेंडर कर चाहे तो। शेख रशीद जल्द गिरफ्तार करने जो ऐलान कर अदालत जो मजाक उड़ा सिंध के गवर्नर नालो ईसीएल में विझण लाय वफाक के खत लिखो। शेख रशीद गवर्नर खिलाफ तोहीन अदालत की दरख्वास्त दाखिल कई वे। अहम खबर हमारा शेयर क्यों पाम। अब्दुल करीम बिजार की वतन वापसी से गिरफ्तारी बाबत बयानवारो मामलो सिंध हाई कोर्ट में शेख रशीद इमरान इस्माइल खिलाफ दरख्वास्त दाखिल कई वही है। तफसील मालूम कंदासी सिंध टीवी न्यूज के रिपोर्टर सिकंदर भुट्टो का। सिकंदर आगा कजो जाम अब्दुल करीम बिजार के मामले ते दरख्वास्त दाखिल कई वही है शेख रशीद इमरान इस्माइल खिलाफ छा अपडेट है नवा वट सिंध हाई कोर्ट में जाम करीम बिजार कौमी असेंबली जो मेंबर है उन सिंध हाई कोर्ट में अग में जमानत मंजूर कराई हुई जैमें उन गिरफ्तारी जो खदशो है मु खिलाफ जो केस दाखिल है तेरे मुख्य जमानत दिनी वे तो मैं जो ट्रायल कोर्ट में पेश थी जैमें सिंध हाई कोर्ट अग में उनके जमानत उनकी मंजूर कई हुई जैखा वफाकी वजीर शेख रशीद पारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो उन गाल कई हुई तो जी ही जाम अब्दुल करीम बिजार एयरपोर्ट से पहुंचों तो उनके गिरफ्तार किया वो एफआईए के अड़ा जुकुम जारी कर एयरपोर्ट पहुंचे तो उनके गिरफ्तार किया वे जैखा जाम अब्दुल करीम बिजार के वकील पारा सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल कराई वही जैसे जो है जस्टिस इकबाल अहमद कलोड़ो पारा दरख्वास्त निपटाइंदे यो फिलहाल जवाबदार के अचान दियो अग में असो है उनके जमानत उनकी मंजूर कर चुका हूं जो है उनमें अचे उन गाल भी कई तो अना तक जवाबदार के खिलाफ का कार्रवाई न की इतने पहुंचे उन खिलाफ कार्रवाई की वेंदी अदालती हुकुम जो न मे वह तो उन खिलाफ तोहीन अदालत की दरख्वास्त दाखिल कराई वे अदालत जो है सिंध सरकार के वकील एडवोकेट जनरल सलमान तालुकुद्दीन के यो तो दलील दलाल ना दई सको अवे दलाल देना तो उन बाबत का भी दरख्वास्त दाखिल या जवाबदार खिलाफ का कार्रवाई थिए तो अवान उन बाबत दरख्वास्त दलाल दीजो हिंसर जो है दरख्वास्त बुधन जोगी ना तेरे हि दरख्वास्त या वापस वो या रद्द कजे थी जैखा सिंध सरकार के वकील पारा हि दरख्वास्त वापस वी वही हा दरख्वास्त जी सिंध हाई कोर्ट निपटा छी है जी। सिकंदर अपडेट वही।